महाभारत गांधारी निजे धृतराष्ट्रको कहते अन्याय भावरे भीम को विष लड़ु दिगला जतुगृह रखिकी समूले नाश कर व्यवस्था करागला शेष बार वर्ष वनवास गोटे वर्ष अज्ञात वनवास पठे दिगला से वनवास समय कथा कड़ी ना तीन दिन काल जंगल भितर पवन बहुत अंधारिया मेघ पवन वर्षा एक जोर हो पांडव मान पांच भाई कुड़िया ओदा है पानी आंठी आंठी तीन दिन काल से किसी खाद्य संग्रह नक से वस्त्र ओदा वस्त्र को पिंधि राति सारा थरुचंती युधिष्ठिर इत्यादि भाई माने कम बयस अभिशाप मरी चली गले पंडु जाकि देखुचंती पिला मानकर अवस्था आही पारिना तुलित शार त्रिताल प्रसाद कौरव पिला माने धृतराष्ट्र गांधारी इत्यादि सब सोई गजदंत पलंक स्वप्न आसी पंडु ठिया धृतराष्ट्र मुंड स्वप्न कहते भाई तम पिला माने अन्याय करे मो पिला मानन को कष्ट देई आज पठाई देचंती जंगल भितर को तीन दिन हला मो पिला माने केही खाई नाहंती कि सोई नाहंती मु सोई पारुनी भाई ये समस्त स्थावर अस्थावर संपत्ति रु अर्धेक होची मो पिला मानन को आपण को पिला माने एते कपट कले आपण सेथुर तांको बारण कले नि मो पिला मानन को एते कष्ट दिया गला मु सही पारुनी भाई मु आज तुमको अभिशाप दौछ मो पिला माने जो कष्ट भोग करचंती जंगल रे देखियो भाई तमर वंश लोप हो मु आज अभिशाप दौछ विकल ही चित्कार करी उठिचंती धृतराष्ट्र तंकर दीवा हाथ धरि पकेचंती गांधारी आर्य पुत्र कौन हला कौन हला कौन हला तुम धृतराष्ट्र कहते मुझे स्वप्न देखिली से दिन गांधारी तुम्हें ठीक स्वप्न देख ली समय अच्छी तुम्हें जाओ से पिला मान ससम मान डाक अर्धेक संपत्ति दे दियो ए राज्य दे दियो ना मु पारिनी ना कहीं पारिनी ना दुर्योधन मो कथा मानव ना सज्जन किड़े सुंदर शिक्षा मिले पिला मानी आप छोट बेलु संस्कार न करेंगे गुरु गुरुजन देवता ब्राह्मण ये सब मानवृत्ति जदि आपलामानंकर छोट बेलू न दुर्योधन भाई से अहंकारी सत् ज्ञान को हर बस गांधारी कहते कौन है हस्तिना सिंहासन बसी आपण राजा दुर्योधन साधारण प्रजा आपण कथा मानवनी ना ना दुर्योधन आ कथा मानवनी ना मुझे अभिशाप दौर मुझे कथा कह तुम्हें जदि ये कथा को पालन न कर तुम वंश भी लोप हो सज्जन से भी कहते गांधारी से आपण अश्वमेध यज्ञ कर जो पुण्य अर्जन करें भाई धन को भाई जदि कपट कर गोटाए इंच आ चेष्टा कैसे से मुहूर्त अश्वमेध यज्ञ कर पुण्य फल चली जाए तेणु सज्जन ये हूँ कर्म योग जय जगन्नाथ। श्रद्धा विषय प्राय समस्त जानते आप
प्रभु कहते उद्धव को कहते भागवत ये है उद्धव श्रद्धा न थी अंतर्गत ताइबी केमती श्रीमद भगवत गीतार नवम अध्याय प्रभु बुझौंट अर्जुन को अर्जुन पत्रं पुष्पं फलं तोयं ज्योमे भक्त्या प्रदच्छति तदहं भक्ति परहुतमस्नामि प्रयतात्मनः आपण भगवानंकु पत्र किए दियंतु फूल किए दियंतु किंबा फल किए दियंतु आपणक भितरे जदि श्रद्धा नाही आपणक भितरे जदि भल पाइबा नाही ताकु भगवान केबे ग्रहण करिवे नाही आपणकर से सुंदर मन टे ग्रहण करती कमान फूल से प्रभु त्रुपत बन फूले नहीं फूल प्रभु त्रुपत बना फूले नहीं दिनकर कथा महाराष्ट्र जड़े मारवाड़ी आसीथिले जगतरनाथ जगन्नाथ पाखकु एवं से आसिकी पंडा मानंकु कहिले जे मु प्रभु को लक्ष टंकार भोग देवी आपण माने व्यवस्था करंतु पंडा माने सुनिला पोरे ब्राह्मण माने सुनिला पोरे तांकर विचार विमर्श होला से विचार मंडली बसी गले विचार कले लक्ष टंकार भोग वर्तमान पुरी शहर रे कोठु मिलिवो जगतरनाथ जगन्नाथ को दिया जीवा पाई केड़ बड़ कथा एवं निष्पत्ति नेले जे लक्ष टंकार भोग मिली पारिवो नाही से समय रो कथा पूजा पंडा जाई भगवान के पाखरे उपाध्याय पड़िले कांदिले प्रभु निंदा हम तुमको जड़े मारवाड़ी एड़ बड़ लोक आसी कहते लक्ष टार भोग देवे कि आम पाखे नाई सज्जन प्रभु ये कही सुंदर भाव कहीं प्रभु अनुभव कर मारवाड़ी ये हूँ मन भितर टे अहंकार आसी गर्व आसी मुझे टंकार भोग देवी प्रभु से पूजा पंडा को पंडा तुम शुण तुम कह खे पान मत से देवे केमी पान जान ना प्रभु केमी पान स्वप्नादेश दे प्रभु गजमुक्त पान तेणु से पान दे ग्रहण करी मु लक्ष टकर भोग ग्रहण करी ना मुक्ता कौठ आसबना गजम को मुंडे थाए शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधव नही सर्वत्र चंदन बने बने सबू पर्वत आज्ञा माणिक्य न थाए